हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप फोन पे में UPI पिन रीसेट करना चाहते हो, UPI पिन बनाना चाहते हो बिना ATM कार्ड के, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना ATM कार्ड के फोन पे में बैंक अकाउंट जो होता है उसका पिन कैसे रीसेट करके एक नया पिन बना सकते हो। आपको ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने पिन को UPI पिन को रीसेट करना चाहते हो तो बिना ATM कार्ड के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रीसेट करके एक नया UPI पिन बना सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि बिना ATM कार्ड के फ़ोन पे में UPI पिन को कैसे रीसेट करके एक नया UPI पिन बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नया अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को कहीं पर भी स्किप करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। तो वीडियो को मतलब कि कैसे आप रीसेट करोगे UPI पिन, एक नया पिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं पर आपको सब कुछ लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे बिना ATM कार्ड के आप अपने UPI पिन को रीसेट करके एक नया UPI पिन बना सकते हो। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपको फ़ोन पे ऐप ओपन करना है। फ़ोन पे ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर जो दिख रहा है आपकी प्रोफाइल, इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट जितना भी ऐड रहेगा वो सभी के सभी आ जाएंगे यहाँ पे। जिस भी बैंक अकाउंट का UPI पिन चेंज करना चाहते हो बिना ATM कार्ड के, तो उसी बैंक के ऑप्शन पर यहाँ पर जितने भी बैंक आपने ऐड किए होंगे वो सभी बैंक यहाँ पर दिख जाएंगे। जिसका भी चेंज करना होगा उसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन नीचे आ जाएंगे, रीसेट और चेंज। तो हमें रीसेट करना है, नया UPI पिन क्रिएट करना है, तो रीसेट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो रीसेट का दिख रहा है ये रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पे। तो मैं रीसेट के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं दिखा देता हूँ जूम करके एक बार, यहाँ पर आप देख सकते हो ये नया ऑप्शन अपडेट हुआ है, आधार नंबर लिंक विथ बैंक। अब आपको ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप UPI पिन को रीसेट करना चाहोगे तो, क्योंकि ये नया अपडेट आने के बाद यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब आप अपने आधार कार्ड के OTP के जरिए आप यहाँ पर UPI पिन बदल सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है, अगर आपका जो आधार कार्ड आपके मोबाइल के साथ लिंक है और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ, मेरा आधार नंबर मेरे मोबाइल के साथ भी, मैंने जो आधार नंबर दिया था वो मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक है, उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक है। तो यहाँ पर लिंक है तो मैं यहाँ पर देखिए जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए OTP सेंड किया जाएगा, वेरीफाई फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। आपके आधार कार्ड का जो आगे का 6 अंक होता है वो आपको डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अपने आधार कार्ड का आगे का 6 अंक। उसके बाद नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 6 डिजिट आधार OTP, आधार की तरफ से OTP सेंड किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। मैंने OTP डाल दिया है और नीचे यहाँ पर जो डन का बटन दिख रहा है आप देख सकते हो इसी पर क्लिक करना है। तो मैंने OTP डाल दिया और नीचे डन के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद बैंक की तरफ से OTP भी आ चुका है, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई भी हो चुका है, फिलअप भी हो चुका है। फिर नीचे डन के बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखिए आ चुका है सेट 4 डिजिट UPI पिन। मतलब आप यहाँ से UPI पिन आप सेट कर सकते हो, देखिए सेट 4 डिजिट UPI पिन। आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी मतलब कि UPI पिन बनाना चाहते हो वो UPI पिन डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर UPI पिन डाल देता हूँ। UPI पिन डालने के बाद नीचे डन के बटन पर क्लिक करना है। फिर से जो अभी UPI पिन डाला है वही दोबारा डालना पड़ता है, दो बार डालना पड़ता है। फिर से मैं वही डाल देता हूँ जो अभी मैंने डाला। डालने के बाद आप जैसे ही नीचे डन के बटन पर क्लिक करोगे आपका जो UPI पिन है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा और एक नया UPI पिन बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। मुझे अभी चेंज नहीं करना, मुझे अपना वही वाला UPI पिन सही है। आप इसी प्रकार से चेंज कर सकते हो। अगर आपको नया UPI पिन बनाना है बिना ATM कार्ड से तो इसी प्रकार से आप बना सकते हो। ये ऑप्शन अभी सभी बैंकों में अवेलेबल नहीं है, कुछ बैंकों में अवेलेबल है। आने वाले समय में सभी बैंकों में ये ऑप्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शन सभी बैंकों में मिल जाएगा। फिर आधार कार्ड के जरिए आप UPI पिन किसी भी बैंक का रीसेट कर सकते हो। अभी ये सिर्फ
पेटीएम पेमेंट्स बैंक में उपलब्ध है, कुछ चुनिंदा बैंकों में भी ये ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। अभी आने वाले टाइम में सभी बैंकों में ये ऑप्शन आ जाएगा आधार कार्ड वाला, फिर उसके बाद आधार कार्ड की मदद से आप रिसेट कर पाओगे अपने UPI पिन को। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।